कहते हैं राजन परिचर तो हेड़ा का सब जवाब दिया रानी का जादू से, तुम मेरी एक बात सुनो कि इस बैलाद पर राम राम का भूत सवार हो चुका है। तो जवाब दिया कि अभी बच्चा है, मैं समझा लूंगी। जाएगा भैया के समझाने लगी, प्रहलाद भगवान का नाम तू छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? अब तो प्रहलाद ने जवाब दिया, माँ मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हाँ, तुझे पता नहीं है वो तेरे पिता का बैरी है, तो उसका नाम लेता है। प्रहलाद ने कही तो भगवान का आतंत न बैरी हो तो अगर तू ना माने हो तो ये जहर दी गिरा हुआ है, ये जहर को प्याज दे तू मत जाओ। प्रहलाद ने कहा प्याज दे, वो क्या दिक्कत है प्याज दे। जब नहीं मान भक्त प्रहलाद, जाए के भैया के हो जहर को पी लो। तो कहतु है कि मैया जमे तो कोई तीन चार मूड़ना को कोई दिखाई देतु है जमे। रानी ने जवाब दिया, अरे तो ये पता नहीं परे तेरा काल दिखाई देतु है जमे। चाय के भैया के जहर पी लो, एक घंटा है वो डेढ़ घंटा है वो लगो कछु नहीं भी करो। चाय के भैया के तोनो आ गए तो हेड़ा कश्यप और हेड़ा कश्यप के संग मंत्री। जवाब दिया तूने जहर ने इसको दिया, जैसे पिताजी आगे बड़े पिताजी जय नाराज। अरे दुष्ट अभी तू मरो ही ना, अभी जिंदा है जहर ना जे दो। जादू ने जवाब दो पिया एक लीटर सबरी पी गो, अभी तो जगह बाल भाको तो कछुपा हो ना। हीरा कश्यप कहने लगे और का कोई मैया वो हुई हथियारी सो पे बेटा को जहर दे के मरवा देगी जाएगा। अरे तुम साजन तुम मानते नहीं हो तो अपने दो राक्षस हैं, एक राक्षस को भी चेक करा के देख लो। राक्षस तो जवाब दिया टेस्ट कर, तो बाने तो जीप पे धरा बाई बाने टेस्ट ना बताए बाने नीचे गिरो मरेगो। जवाब तो हुआ तूने जेल तो दबो जी मरो ही ना इन्हें। मंत्री तो कहा जवाब दिया मंत्री इसको ले जाओ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बाप तुझे नीचे गिरा। तो भैया के ले गए, जैसे ही ऊपर ले गए तो नीचे डालो बाको का छूना भी करो मोहन।